हाय गाइज, वेलकम बैक कंप्यूटर ग्राफिक्स प्लेलिस्ट। और आज हम बात करने वाले कलर सीआरटी मॉनिटर। इससे पहले हमने कैथोड रे ट्यूब देखी थी जो ब्लैक एंड व्हाइट थी क्योंकि ब्राइट स्पॉट दे रहा था फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन पर। बट अब यहाँ पे कलर कैसे आ गया, तो उसी ये थोड़ा एडवांस हो गया उसकी तरह, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है मल्टीपल अपन फॉस्फोरस कोटेड लेयर यूज कर लेते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फॉस्फोरस यूज करने से हमें कलर सीआरटी मॉनिटर देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे तीन लेयर यूज करते हैं फॉस्फोरस की, रेड, ब्लू और ग्रीन, क्योंकि हम जानते हैं इन तीन कलर को यूज करके मिलियंस ऑफ कलर बना सकते हैं। दैट इज वाई दे यूज थ्री। ओके, तो यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल यही है इसका। और साथ के साथ इनको ऐसा सीआरटी मॉनिटर बनाना था जो ना केवल आपके जैसे कंपाइल टाइम पर कलर शो करे, यानी कि पहले ही डिफाइन कर दे कि ये ब्लू छोड़ेगा या ब्लैक छोड़ेगा या पर्पल छोड़ेगा, बल्कि रन टाइम पर भी, यानी कि जिस तरह की कलर की डिमांड है उस तरह का कलर ऑटोमेटिकली दे सके। तो उसके लिए हमें कलर सीआरटी मॉनिटर की नीड थी। तो इनको करने के लिए दो पॉपुलर अप्रोच है, बीम पेनेट्रेशन मेथड और शेडो मास्क मेथड। दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको दोनों का हल्का सा रफ आइडिया देता हूँ कि बीम पेनेट्रेशन मेथड और शेडो मास्क मेथड दोनों ही क्वाइट सिमिलर है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बता देता हूँ, फटाफट से रफ आइडिया दे देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉनिक गन है, ठीक है, यहाँ से बीम निकल रही है। यहाँ पे है फॉस्फोरस एट द एंड, फॉस्फोरस डिस्प्ले पर यानी स्क्रीन के ऊपर आता है लेयर के ऊपर कोटेड। तो यहाँ पर इसमें क्या होती है, तीन लेयर लगी होती है। तीन लेयर कौन कौन सी होती है, एक होती है आपकी रेड, एक होती है आपकी ग्रीन, एक होती है आपकी ब्लू, ठीक है। अब आपकी जो ये बीम की स्पीड है स्लो है तो केवल रेड होगा फॉस्फोरस और वहाँ से एबिट होकर निकल जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा स्पीड आपकी एक्सेलरेशन बढ़ा दोगे तो ये बीम यहाँ से निकल के इसमें घुस जाएगी, जिससे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ निकलेगा। तो रेड प्लस ग्रीन यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे ओनली रेड देखने को मिलता है। अगर आप थोड़ी और ज़्यादा एक्टिवली दे देते हो बीम की स्पीड तो यहाँ पे आपको तीनों कलर इंक्लूड होते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन कुल मिला के यहाँ पे फोर कलर का ही यूज कर सकते हैं। इसलिए इसको केवल रैंडम स्कैन के अंदर ही, रैंडम स्कैन में ही यूज किया जाता है। ड्राइंग वोइंग जो भी आपकी लाइन वाइन मैंने आपको बताया था ना प्रीवियस वीडियो में, जैसे आप ट्राइंगल बना लेते हो कोई पर्टिकुलर के ऊपर ही वो बीम रिफ्लेक्ट होती है ना, तो उसके अंदर रैंडम स्कैन के अंदर यूज किया जाता है आपका बीम पेनेट्रेशन सिस्टम मेथड, ओके। बट बात करूँ शेडो मास्क मेथड तो ये बहुत ही अच्छा है। क्यों, देखिए यहाँ पर आपको मिलेगी तीन इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है, एक है आपकी रेड, एक है ग्रीन, एक ब्लू, ओके। तो यहाँ पे ये रेड लाइट देती है आपको, ये ग्रीन देती है, ब्लू देती है आपकी, ये फॉस्फोरस लेयर आपकी एक ही होती है यहाँ पर, बट इसके अंदर से इनको निकलना पड़ता है। तो ये कुछ इस तरह से निकलती है, आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर एक ये ट्राइंगल बनाती है और यहाँ देख सकते कि इनके अलग अलग इंडिविजुअल कलर निकलते जाते हैं। और इन तीन कलर के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ कलर बना सकते हैं, मिलियंस, ठीक है। यानी कि ओरिजिनली रियल लाइफ में शेडो मास्क मेथड ही यूज किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया था कि रास्टर स्कैन मेथड ही यूज किया जाता है टेलीविजन मॉनिटर इनकी स्क्रीनों के ऊपर। तो वहाँ पर रियल लाइफ में कौन सा होता है, शेडो मास्क मेथड आपको देखने को मिलता है, ओके। तो बीम पेनेट्रेशन मेथड जो मैंने आपको बताया अभी, उसी में बताया कि मल्टी कलर्ड आपके फॉस्फोरस नंबर ऑफ लेयर यूज की जाती है, जिसके थ्रू आप 4 to 5 मैक्सिमम कलर बना सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर जैसे मैंने बताया था कि स्लो चलेगा तो रेड, थोड़ा फास्ट चले तो दोनों को, ज़्यादा ही मच एक्टिवली वर्क करेगा तो तीनों ही कलर को कंबाइन कर देगा ये। जैसे कि मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो यहाँ पे देखो आगे आगे वाली जो है रेड फॉस्फोरस कोटिंग, उससे जस्ट पहले वाली है ग्रीन फॉस्फोरस कोटिंग, ठीक है। उससे पहले अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो ब्लू वाली भी ऐड कर सकते हो। बात करूँ इसके एडवांटेजेस की तो ये कॉस्टली नहीं है। दूसरी डिसएडवांटेजेस की तो चार ही कलर पॉसिबल है और क्वालिटी ऑफ पिक्चर भी इतनी अच्छी नहीं है जितना अदर मेथड दे पा रहे हैं। तो ये डिसएडवांटेज हमको देखने को मिलती है। तो चार ही कलर तो अपन रियल लाइफ में तो इसको यूज कर ही नहीं सकते थे, इसलिए हमको ज़रूरत थी शेडो मास्क मेथड की, जिसमें हमने बताया कि ये रास्टर स्कैन सिस्टम में यूज़ किया जाता है और ये टीवी के अंदर मॉनिटर्स में यूज किया जाता है। और मैंने बताया था कि तीन फॉस्फोरस डॉट अलग अलग एमिट करती है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट एंड ब्लू लाइट, ठीक है। और आपको तीन इलेक्ट्रॉन गन की आवश्यकता होगी फॉर ईच कलर डॉट एंड शेडो मास्क ग्रिड जस्ट बिहाइंड द फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन, यानी फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन के जस्ट पहले आपका शेडो मास्क ग्रिड लगा हुआ होगा, जो आपकी जो तीन डॉट एमिट हो रहे हैं अलग अलग रेड, ग्रीन, ब्लू, उनको कंट्रोल करने के लिए। तो जिस तरह से आप डायग्राम में देख सकते हो तीनों यहाँ पर एमिट कर रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ एक ट्राइंगल बनता है और अलग अलग मल्टीपल कलर आप देखने को मिलते हैं। सो थ्री इलेक्ट्रॉन बीम आर डिफ्लेक्टेड एंड फोर्स एज ए ग्रुप ऑन टू द शेडो मास्क, एंड वेन दे पास थ्रू ए होल इन द शेडो मास्क
दे एक्साइट ए डॉट ट्राइंगल, यानी डॉट ट्राइंगल बनाते हैं जो सर्किल आपका ये होल दे रखा है, यही आपका एक तरह से शेडो मार्क्स देखने को हमें मिलता है। बात करूँ इसके एडवांटेजेस की तो रियल लाइफ में यूज़ किया जा रहा है, मिलियन ऑफ कलर देखने को मिल रहा है, शेडो सीन्स आर पॉसिबल भी है। डिसएडवांटेजेस की तो रिलेटिवली एक्सपेंसिव, महंगी है थोड़ी सी, थोड़ा रेजुलेशन पुअर है इसका और कन्वर्जेंस प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंशिएशन बिटवीन द बीम पेनेट्रेशन एंड शेडो मार्क्स। तो सबसे पहले कलर बात करें तो यहाँ पर चार कलर, वहाँ पे मिलियन ऑफ कलर। बात करूँ कलर डिपेंडेंसी की तो यहाँ पर क्या होता है, ओनली फोर कलर आर प्रोड्यूस, इट्स बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन गन, यानी कि इलेक्ट्रॉन गन की स्पीड पर डिपेंड करना है, जितना ज़्यादा अलग पेनेट्रेशन होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर डिपेंड करता है इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ थ्री अवेलेबल गन्स, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गन्स यहाँ पे एक है, वहाँ पे तीन देखने को मिलती है। पिक्चर क्वालिटी यहाँ पे कम है, वहाँ पे अच्छी है, ठीक है। रियलिस्टिक व्यू में देखो आपका बीम पेनेट्रेशन इतना वर्क नहीं करता, शेडो मार्क्स रियलिस्टिक में मॉनिटर टीवी में यूज़ किया जाता है। रेजोल्यूशन जो है आपका बीम पेनेट्रेशन में ओबियसली हाई होगा एंड बट शेडो मार्क्स में थोड़ा कम होता है, ओके। चीप कौन सा है, चीप आपका बीम पेनेट्रेशन देखने को मिलता है और शेडो मार्क्स थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका जो है बीम पेनेट्रेशन रेंडम स्कैन सिस्टम में और आपका शेडो मास्क आपको देखने को मिलता है रास्टर स्कैन सिस्टम में टू डिस्प्ले कलर। अब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड साथ के साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप नीचे लाल बटन दिख रहा है उस पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में।